नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजु बाबा इन्फोटेक पर। मैं विजय धाकड़ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हिम्मत में होती है किम्मत, वही हिम्मत आप लोगों ने दिखाई है। पिछले 5 से 6 महीने में जो प्याज आपने स्टोरेज किया हुआ है उसके बारे में कहीं ना कहीं अब जाके थोड़ा असमंजस लोगों में दिखाई दे रहा है। हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि प्याज की कीमत एकदम से जो गिरी तो वहाँ पर जो है किसान भाई एकदम से चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर आ गई कि अब क्या करेंगे। तो किसान भाई, ये विस्तृत जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आगे हमें क्या रणनीति बनाना है, प्याज की मार्केट वैल्यू आगे क्या रहने वाली है। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, किसान भाई के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई नई जानकारियां खेती किसानी से जुड़ी चाहे मंडी भाव हो आपको तुरंत अपडेट आपके मोबाइल पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों का ये कहना है कि प्याज में जो है एकदम से गिरावट आई है तो इसका कारण क्या है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो कारण है यही है कि जो आवके हैं वो बम्पर आवके हुई है और एकदम से जो है बाजार में जो डिमांड जितनी थी उससे कहीं ज़्यादा जो है प्याज की आवक यहाँ पर हो चुकी है। 9 सितंबर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 31.5 रुपये प्याज मार्केट में बिका था, तो 10 सितंबर को जो है मंडियों में भीड़ हो चुकी थी, इतनी भीड़ की बम्पर आवके वहाँ पर हो चुकी थी। तो दोस्तों वहाँ पर उस दिन हमें 1.5 रुपये की जो है गिरावट देखने को मिली। जैसे ही गिरावट देखने को मिली 10 सितंबर को, तो किसान भाइयों ने 11 सितंबर को पूरा का पूरा प्याज मंडी में लगा दिया और उस दिन फिर 1.5 रुपये की गिरावट हमें यहाँ देखने को मिली। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉमन सेंस की बात है कि जब प्याज की जो रेट बढ़ रहा था तो उस समय जो है मंडियों में भीड़ नहीं थी, वहाँ पर जो है डिमांड नहीं थी प्याज की, और जब प्याज का जो रेट है धीरे 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 गिरने लगा तो अपने किसान भाई सभी मंडियों की ओर बढ़ने लग गए। तो किसान भाइयों, ये भी एक प्रमुख कारण है अभी पिछले 2 दिनों की गिरावट में। वहीं दोस्तों अगर दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान सीजन है सोयाबीन की, और सोयाबीन जो है अभी वर्तमान परिस्थिति में हम निकालने वाले हैं और बहुत से किसान भाई निकाल कर घर पे ला रहे हैं, तो उनके लिए जो है स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत से किसानों से मेरी बात भी हुई है, तो यह रीज़न भी रहा है कि कहीं ना कहीं प्याज को एकदम से हम बाजार में निकाल दें ताकि हम जो है आगे का जो है अपना काम कर सकें। तो उसके कारण भी जो है एकदम से प्याज में यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है और मंडियों में बम्पर आव के प्याज भी देखने को मिली है। वहीं दोस्तों पिछले गुरुवार से मैं एक मैसेज देख रहा हूँ जो वायरल हो रहा है, काफ़ी स्पीड में वायरल हो रहा है। तो उस मैसेज में बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वह जो है प्याज जो है आयात करने वाली है। तो उसके कारण जो है बहुत से किसानों के मैसेज मेरे को मिले कि क्या यह बात सही है या गलत है। तो किसान भाइयों, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन में आया है कि वह जो अफवाह है ये सिर्फ फैलाई जा रही है, तो उसके कारण भी दोस्तों यहाँ पर बहुत से किसान चिंतित हो गए थे और उन्होंने अपना जो प्याज है वह मंडियों तक पहुँचा दिया है। तो उसके कारण भी हमें बाज़ार में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि दोस्तों मार्केट का सीधा एक पॉलिसी होती है कि यदि डिमांड से ज़्यादा अगर सप्लाई होती है तो जो है भाव गिर जाते हैं। तो यही कुछ 2 दिनों में हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आगे हमें क्या उम्मीद रखना चाहिए या फिर अगले हफ्ते हमें प्याज निकाल देना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा क्योंकि मैं इतना परफेक्ट नहीं हुआ हूँ कि आगे का जो है सारा डेटा मैं आपको बता दूँ कि आगे ये रहने वाला है, क्योंकि मार्केट के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है वहाँ तक जो है अगला सप्ताह जब आएगा, यानी कि आने वाली जो 14 तारीख है वहाँ से 20 तारीख तक के बीच में हमें प्याज में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों अब जो है प्याज जो है लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है और बहुत से किसान भाई अब इस प्याज को निकालने वाले हैं। और दोस्तों महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी सेम सिचुएशन बन रहा है जैसा कि MP में बन रहा है। तो किसान भाइयों, आप अपने विवेक पर निर्णय लेवे, यह मेरी एक परामर्श है आपको। मैं फाइनली निर्णय आपको नहीं दे रहा हूँ कि अक्टूबर में इतना प्याज हो जाएगा या सितंबर में इतना हो जाएगा, यह सब किस्मत का खेल है दोस्तों। जिसके किस्मत में जितना लिखा होगा वह उतना उसको मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, यदि आज करंट सिचुएशन की मैं बात करूँ तो आज है 12 सितंबर, और 12 सितंबर को प्याज की जो वैल्यू है वह करीबन 27 से 28 रुपये है,
और दोस्तों यहाँ से अगर हम पिछले 20 से 22 दिन की बात करें तो उस समय जो करंट वैल्यू थी वह 7 से 8 रुपए या 10 रुपए तक थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें डबल से ट्रिपल जो यहाँ पर है ट्रिपल मुनाफा प्याज में ऑलरेडी मिल चुका है। तो किसान भाइयों आप अपने विवेक पर निर्णय लेवे, तो आप अगर प्याज निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, और यदि आप रखना चाहे तो मेरा ओपिनियन प्याज में ऐसा ही रहेगा कि यदि आपके पास प्याज ज़्यादा है तो आप 60% जो है प्याज अभी निकाल सकते हैं, 40% प्याज रख सकते हैं, क्योंकि आपको ये भाव भी मिल जाएगा और आने वाले समय में जो अगर ज़्यादा भाव रहा है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन जहाँ तक ये कहता है, तो आप थोड़ा सा सब्र बना के रखिए दोस्तों, क्योंकि हिम्मत है तो कीमत है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में बस इतना सा ही, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ। और दोस्तों ये हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है तो लाइक के माध्यम से बताएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि हम आपको ऐसी ही सेवाएँ जो है डेली अपडेट आपको देते रहें, मंडी भाव हो चाहे और अदर जानकारी हो तो हम आपको बराबर समय पर देते रहें। तो चलिए दोस्तों अब दीजिए इजाज़त आपके मित्र विजय धाकड़ को, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।